जी वो मेरे हस्बैंड ने वो किन्नर किन्नर को बीबी बना के रखा हुआ है, बहुत सारे औरत लोग के साथ। बहुत अच्छे आदमी तुम्हारे तो, बात बाप के आदमी। वो घर में किन्नर आके पूरे गंदगी फैला के जाती है, उसी की वजह से सब प्रॉब्लम हो रहा है गुरु जी। किन्नर लोग गंदगी कभी नहीं फैलाते, वो किन्नर नहीं होगा फिर। नमस्ते गुरु जी। खुश रहो बेटा, कैसे हो? ठीक हो। देखिए सारे लोग कष्ट आपके सब गए, नष्ट हो गए। ओसीडी की स्मृतियां थी, सब कुछ गंदा गंदा दिखना लगना होना, परिवार के सदस्य को देखकर नफरत चिढ़ होना, अकेले रहना, किसी से बात ना करना, सुनकर पूरा ना समझने देने वाली स्मृति थी, स्वयं से घृणा की स्मृति थी, कोलोन में घाव बन रहा था, गुदा द्वार में सूजन, पेट में दर्द होना, एक्जिमा की स्मृतियाँ थी, मल त्याग करने में कष्ट होना, लीवर में घाव बन रहा था, ज्वाइंटिस की स्मृतियाँ थी, गंदे स्पंदन होना, गर्भाशय में गांठें बन रही थी और घाव बन रहा था, चेस्ट में पेन होना, श्वास लेने में भारीपन होना, सिजोफ्रेनिया था, महसूस होना कि कोई है आसपास, रोमेटिक आर्थराइटिस था, जोड़ जोड़ में दर्द रहना, ऑस्टियोपेनिया था, कैंसर की जो स्मृतियाँ थी यूट्रस में, रेक्टम में, गले में, ब्रेस्ट में और कोलोन में। ये सारा नष्ट हो गया, ठीक है। यूट्रस भी आपका ऐसे गड़बड़ हो गया था गुरुजी, मेरे सर में बार बार बहुत दर्द। यूट्रस में कैंसर की स्मृति थी, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन फैल रहा था, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, मासिक जो है अनियमित था और एक्स नहीं बनते थे। अब आपका सिर का भी कष्ट चला गया, कुछ नहीं। अब कान में से भी वाइब्रेशन होता है गुरुजी बार बार। अब कुछ भी नहीं हो रहा है, अब तो आप एकदम अच्छे हो। और वो चेहरा भी पूरा खराब हो गया, बाल भी पूरे झड़ गए। चेहरा आपका अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे। पिछले साल सब कालिमा चली जाएगी सब आपकी। गुरुजी कुछ बोलना था। बोलिए गुरुजी। वो मेरे हस्बैंड ने वो किन्नर को बीबी बना के रखा हुआ है, बहुत सारे औरत लोग के साथ। बहुत अच्छे आदमी तुम्हारे तो, बात बाप के आदमी। वो घर में किन्नर आके पूरे गंदगी फैला के जाती है, उसी की वजह से सब प्रॉब्लम हो रहा है गुरुजी। किन्नर लोग गंदगी कभी नहीं फैलाते, वो किन्नर नहीं होगा फिर। किन्नर लोग गंदगी नहीं फैलाते क्योंकि मैं पिछले ये बने हुए लोग होते हैं जो किन्नरों को बदनाम करते हैं, वो लोग होते हैं बदमाश। अच्छे हो जाएंगे, अब बाबा माँ से प्रार्थना करना, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। खुश रहो।